नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में आपका स्वागत है। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। मोदी सरकार ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। आज हम आपको बताएंगे कि CAA लागू होने से क्या कुछ बदलेगा। नागरिकता संशोधन कानून के तहत अब 2014 से पहले भारत में आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। CAA के तहत जिन देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता मिलेगी, उनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं, लेकिन मुस्लिम को इससे बाहर रखा गया है। नागरिकता संशोधन कानून पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। ये वे गैर मुस्लिम हैं जो इन तीनों ही देशों में अल्पसंख्यक हैं और धर्म के नाम पर प्रताड़ित होते रहे हैं। कई साल पहले ये वैध दस्तावेजों के साथ भारत तो आ गए, लेकिन इन्हें नागरिकता का अधिकार नहीं मिल सका। दरअसल ये वे लोग हैं जिन्हें पड़ोसी मुल्कों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा था। इसमें एक बात तो साफ है कि धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए उन्हीं गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रहने की शरण मांगी थी। इसके अलावा और भी कई नियम कायदे हैं। आइए इस खबर में उन्हीं नियम कायदों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। CAA कानून के नियमों के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में एक साल तक लगातार रहना अनिवार्य है। भारत की नागरिकता पाने वाले लोगों को ये बताना होगा कि वो अपनी वर्तमान नागरिकता को छोड़ रहे हैं और वे भारत में बसना चाहते हैं। नियमों में ये भी कहा गया है कि भारत की नागरिकता लेने वाले लोगों को ईमानदारी से भारत के कानूनों का पालन करना होगा। भारत की नागरिकता लेने वाले लोगों को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में से एक का पर्याप्त ज्ञान हो। नियमों में ये भी कहा गया है कि सभी आवेदकों के पास वैध दस्तावेज हों। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।